कांशी राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशी राम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशी राम जी करो ऐलान, पार्लियामेंट में नीला निशान। कांशी राम जी करो ऐलान, पार्लियामेंट में नीला निशान। कांशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कांशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। बहुजन समाज पार्टी का विजय असो, बहुजन समाज पार्टी का विजय असो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीएसपी क्या करेगी, समता का संघर्ष करेगी। बीएसपी क्या करेगी, समता का संघर्ष करेगी। कांशी राम जी करो ऐलान। दक्षिण नागपुर के इस सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, जो नॉन नगर सेवक चुनकर आए हैं, उन लोगों को आप लोगों ने यहां इकट्ठे किया है और उनकी तरफ से मेरा स्वागत किया गया है। आप लोगों को इकट्ठा होने के कारण नगर सेवकों ने जो मेरा स्वागत किया है, उसके कारण मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तरी नागपुर में काफी बड़ा इकट्ठ हुआ, उसमें मैं विस्तार से दो घंटे का समय लेकर अपनी बात अपने समाज के सामने रखी है और खुशी का इजहार किया है कि जिन महरों ने बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से बाहर धकेला और मैंने उत्तर भारत के चमारों को तैयार करके बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और उनके 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबे संघर्ष की बात चमारों को समझाकर उनको मैंने रजामंद किया। उन्होंने इस मूवमेंट को अपनाया। उत्तर प्रदेश में 1989 में बहुजन समाज पार्टी की के 15 एमएलए चुनकर आए, 2 एमपी चुनकर आए और पार्टी को मान्यता प्राप्त हुई। उसके कारण इलेक्शन कमिश्नर ने हाथी का सिंबल जो महाराष्ट्र में गंवाया गया था, वो बहुजन समाज पार्टी ने फिर से हासिल किया। उसके बाद 4 और राज्यों में जहां चमार जाति बड़ी संख्या में रहती है, उन्होंने मेरी बात को माना। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को समझा और अपनाया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी 1996 में राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई।
इलेक्शन कमीशनर की तरफ से घोषणा हुई कि 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके बहुजन समाज पार्टी फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने वाली पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 1996 में 8वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी। आज जब मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस के बाद 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। इसलिए साथियों, आज तक जो महाराष्ट्र के मारों ने रिपब्लिकन पार्टी की बात को मानकर, इस बात को मानकर कि बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट महाराष्ट्र में कामयाब हो सकत नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पैर नहीं लगने दिए। लेकिन आज लंबे समय के बाद, मेरे अंतक प्रयास के बाद, जब बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोगों के माध्यम से जो मैं बार बार कहता था कि बाबा साहब अंबेडकर को आप लोगों ने महाराष्ट्र से धक्के देकर बाहर निकाला है, ये अच्छा नहीं किया है। बाबा साहब अंबेडकर का क्या कसूर था? इसलिए अगर महाराष्ट्र के बाहर ही उनको धक्के देकर महाराष्ट्र से बाहर निकालेंगे तो उनको कौन अपनाएगा? लेकिन खुशी की बात है कि उत्तर भारत में 5 सूबों में चमारों ने उनको अपनाया और बाबा साहब अंबेडकर या फुले शाहू अंबेडकर की मूवमेंट को अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, जो आज 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे अंतक प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी जल्दी ही 3रे नंबर की नहीं, 1रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी होगी। इसलिए साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और 1रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश में है। और आज महाराष्ट्र के महार भी मान चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर महाराष्ट्र में घुस जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। इस रवैये का मैं स्वागत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। जो आप लोगों ने अपना रवैया बदला है, जो महार नेताओं ने बार बार रट लगाई है कि बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट कामयाब हो सकत नहीं, और मैं कहता रहा कि हो सकता है,
तो पिछले कई सालों से हो सकत नहीं और हो सकत है, इस बात में खींचातानी होती रही और आखिर आज आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि हो सकत है। इस फैसले का स्वागत करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। और अब जब महाराष्ट्र के महारों ने ये बात मान ली है और मेरा काम आसान हो गया है कि जिस मूवमेंट को मैं फुले शाहू अंबेडकर की मूवमेंट कहता हूं और आप लोग मेरी बात मानकर बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, फुले तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, शाहू तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, मेरी बात मानकर आप लोगों ने इस किस्म के नारे लगाने शुरू किए हैं तो मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं फुले के मालियों को और छत्रपति शाहू महाराज के कुर्मियों को भी तैयार करके ये बात कहकर कि आज बहुजन समाज पार्टी, जिसको मैं आज तक कहता रहा हूं कि ये महाराष्ट्र की रूटलेस पार्टी है, आज मैं कह सकता हूं कि आज जब महर इसका बेस बन गया है तो ये बेसलेस नहीं, पार्टी विद ए बेस है। इसलिए मैं बाकी शूदर समाज की जातियों को कन्विंस करके और बहुजन समाज बनाने का काम जो हम देश भर में काफी आगे बढ़ा चुके हैं, महाराष्ट्र में भी हम लोग बढ़ा सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं ये बात कहने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में नागपुर में हाजिर हुआ हूं। आज मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों को भरोसे से कह सकता हूं कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, बाकी काम आप लोग मेरे ऊपर छोड़े। आपको रिपब्लिकन पार्टी के नेता कहते गए हैं कि ये काम हो सकत नहीं, और मैं कहता रहा हूं कि हो सकत है। अब इस काम को करके दिखाना, कामयाबी से करके दिखाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग मेरे पीछे चलें, मैं आगे बढ़कर इस काम को करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा और इसके आधार पर मनुवादी समाज व्यवस्था का मुकाबला करके मानवतावादी समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे समाज को सलाह दी कि हमें खास करके 1936 में
सेकेंड महल परिषद बॉम्बे में करने के बाद उन्होंने फैसला दिया कि हमें जातियों का नाम बदलने से हमारा काम नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन करने से हमारी बात आगे बढ़ेगी। अगर हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना है तो हमें बौद्ध धर्म अपनाना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके नागपुर में ही कहा था कि मेरी चाहत है कि भारत देश को मैं बौद्धमय देश बना सकूं, लेकिन दुख की बात है कि 45 साल बीत गए बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिस्ट बने हुए और 5 साल के बाद गोल्डन जुबली होगी उस कन्वर्शन की, और 5 साल के अंदर कोई जनगणना नहीं होगी। जनगणना तो 2001 के बाद 2011 में होगी, लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा भी नहीं पूरा हुआ है, आधा भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक भी 2001 की जनगणना के आधार पर 1 करोड़ भी बुद्धिस्ट इंडिया में, भारत में नहीं है। इसलिए मैंने और मायावती ने फैसला किया है कि 2006 में जब 50 साल पूरे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की कन्वर्शन के, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चमारों को सलाह देंगे कि आप लोग बौद्ध धर्म अपनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सलाह को मानकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ से ज्यादा चमार बुद्धिस्ट बन पाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो दूसरा काम भी आज तक अधूरा रहा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप लोगों को अपने बारे में सोचकर कि बाबा साहब अम्बेडकर का पहला सपना राजनीति में इस मूवमेंट को कामयाब बनाने का सपना, उसमें आप कहां तक पहुंचे हैं, और दूसरा सपना जो भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे उसमें 1 करोड़ तक भी आप लोग नहीं पहुंचे हैं। ये जो कमी या कमजोरी आप लोगों ने दिखाई है, इस कमी और कमजोरी को दूर करने की जिम्मेवारी आज मैंने अपने कंधों पर ली है और मैं इसको कामयाब बनाने की कोशिश में लगा हूं, और कुछ हद तक कामयाबी मिली है और पूरी कामयाबी मिलाकर रहूंगा। इस भरोसे के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए आप लोगों को मैं भरोसा देता हूं।
कि आप मेरे पीछे चलें। आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को महाराष्ट्र में घुसने की इजाजत दे दी है, अब बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ें। जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि ये कामयाब हो सकते नहीं, उसको कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है। मैं इस जिम्मेवारी को जरूर और बड़े पैमाने पर निभाऊंगा, ऐसा आपको भरोसा देते हुए। बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थी मैं उत्तरी नागपुर में कह चुका हूं। आप लोगों के सामने सिर्फ इस किस्म के ख्यालात रखते हुए, आप लोगों को इस किस्म का भरोसा दिलाते हुए मैं आप लोगों से रजा लूंगा। जय भीम, जय भारत।